भारत को अपनी सीमाओं पर पैनी नजर रखनी चाहिए और ये सीख हमें ऐतिहासिक रूप से मध्यकालीन युग के आक्रमणों और वर्तमान युग में भूमि सीमाओं पर हमले के प्रयासों से मिलते हैं। थल, जल और वायु हर जगह भारत आज अपनी सीमाओं को क्यों सुरक्षित कर रहा है, इस वीडियो में हम आपसे यही बात करेंगे। पांचजन्य के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। किसी भी देश का रक्षा क्षेत्र केवल उसकी सुरक्षा को नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति में उसका क्या स्थान है ये भी दर्शाता है। भारतीय नौसेना की समुद्र में जो आज भूमिका बनी है वो पूरे विश्व में भारत के विचार, पहचान और भूमिका को बता रहा है। 2020 में जब भारत और चीन की सेनाओं की भिड़ंत हुई थी तब कई विश्लेषकों ने भारत को समुद्री लाभों का उपयोग करने की सलाह दी थी। क्षेत्रीय भू राजनीति की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने भारत की समुद्री सीमाओं से आगे बढ़कर मानवीय और बचाव अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है। इन अभियानों ने भारत को एक जिम्मेदार और सक्षम समुद्री शक्ति के रूप में विश्व भर में पेश किया है। अब भारतीय नौसेना सीमाओं के बाहर देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में एक प्रमुख साधन बन गई है। आज भारतीय नौसेना को एक सक्षम और आत्मविश्वासी नौसैनिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर समुद्र को सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए भरोसा किया जा सकता है। जैसे ही गाजा में युद्ध छिड़ा, यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। हूती विद्रोहियों का कहना था कि गाजा में इजराइल जंग रोके, नहीं तो हम इजरायली जहाजों पर हमला करेंगे। बाद में हर देश के जहाज हूती विद्रोहियों के निशाने पर आ गए। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसी बीच भारत ने हूती और समुद्री डाकुओं के किसी भी हमले से निपटने के लिए लाल सागर के पूर्व में युद्ध पोत तैनात करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस संदर्भ में ये कहा जाना चाहिए कि भारतीय नौसेना की उपस्थिति ने इस क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यापार के संचालन को सुरक्षित बना दिया है। इस समय अफ्रीका के कई समुद्री डाकू समूह आतंकियों की उदारता और शह का आनंद ले रहे हैं। वो प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी और वाणिज्यिक जहाज पर हमले कर लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। समुद्री डाकुओं का प्रभाव दुनिया के कई हिस्सों में काफी समय से रहा है, खासकर अफ्रीकी देशों में। चीन ने 2 दशक पहले अपने नौसैनिक जहाजों को अदन की खाड़ी में भेजा था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वाणिज्यिक जहाज समुद्री डाकुओं से सुरक्षित रहें। पिछले कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई है और ऐसा करके उसने औपनिवेशिक विस्तार के अपने इरादों को लेकर लोकतांत्रिक देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दूसरी ओर जल की रक्षा में भारतीय भूमिका का विस्तार एक नौसैनिक शक्ति के रूप में अपनी विश्वसनीयता का निर्माण कर रहा है, जिसके पास संचार के समुद्री मार्गों की रक्षा के लिए नौसैनिक संपत्तियों को तैनात करने की क्षमता और इच्छा दोनों है। पिछले कुछ महीनों में नौसेना ने समुद्री डाकुओं द्वारा हमला किए गए जहाजों और मिसाइलों की चपेट में आए कई जहाजों को बचाया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने सोमालिया के पूर्वी तट से रवाना हो रहे एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईमी पर समुद्री डकैतों के हमले को रोका और कोच्चि के पश्चिम में अरब सागर में 36 चालक दल, जिसमें 17 ईरानी और 19 पाकिस्तानी थे, उनको सफलतापूर्वक बचाया। हिंद महासागर और अरब सागर में वैसे तो चीन, ब्रिटेन समेत कई देशों के नौसैनिक जहाज तैनात रहते हैं, मगर आपातकालीन मदद मांगने वाले जहाजों को ये जवाब तक नहीं देते हैं। वहीं भारत लगातार इस आपातकालीन मदद मांगने वाले जहाजों की मदद कर रहा है। विश्व के कई देशों के जहाज जहाजी मदद पाने वालों में शामिल हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी। भारत मदद मांगने वालों का धर्म, देश, पहचान कभी नहीं देखता। वहीं महाशक्ति होने का दावा करने वाले अपनी नौसेना समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए वो तभी भेजते हैं जब उनके देश या उनके मित्र देशों के लोगों के जहाज फंसे हों। भारतीय नौसेना समुद्र को सुरक्षित बनाने के साथ साथ सैन्य कूटनीति के हिस्से के रूप में मालाबार अभ्यास जैसे सैन्य अभ्यास के माध्यम से आसियान देशों और रणनीतिक भागीदारों के साथ मिलकर काम करने में सक्रिय रही है। भारत का लक्ष्य अन्य नौसेनाओं के साथ साझेदारी के माध्यम से बाहरी संतुलन बनाना और समुद्र में सुरक्षित व्यापार और संचार के विश्वसनीय नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। ऐसी दुनिया में जहां कई हिस्सों में युद्ध चल रहा हो, तब गहरे समुद्र में नौसेना द्वारा संचालित भारत की सैनिक कूटनीति अनुकरणीय है। अनिश्चितताओं और युद्धों के युग में एक मुखर
और जिम्मेदार भारतीय नौसैनिकों की उपस्थिति गहरे समुद्र में एक शक्तिशाली और दुनिया को शांति की ओर आश्वस्त करने वाली है। और भारत की यही समुद्री ताकत उसे विश्व में पहचान भी दिला रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।